हे एवरीवन, दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द यूपी 444 राइड। सो गाइज, आज हम लोग निकल चुके हैं, मैं और मेरा जो दोस्त है। हे एवरीवन, दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द यूपी 444 राइड। सो गाइज, आज हम लोग निकल चुके हैं, मैं और मेरा जो दोस्त है। ये देख सकते हैं, मैं अभी पॉलिटेक्निक पे खड़ा हूँ, जस्ट पुल के ऊपर खड़ा हूँ। मेरे ऊपर देख सकते हैं ये जो मेट्रो का पुल है वो जा रहा है। सो गाइज, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से करीबन 54 किलोमीटर की राइड मैं करने वाला हूँ। लखनऊ से बाराबंकी करीबन 54 किलोमीटर है और मैं वहीं जाने वाला हूँ। और वहाँ पर एक ऐतिहासिक पेड़ है जिसका जो इतिहास है वो 6,500 साल पुराना है। सो जाके देखते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को वो जगह पता भी होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। सो गाइज, अगर आप लखनऊ में रहते हो तो आप सीधे पॉलिटेक्निक से बाराबंकी जाओ, फिर आगे की डायरेक्शन मैं आपको बता दूंगा। आगे मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक आप इंजॉय करिए आगे का व्यू। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और ये मेरे जो आगे की आप एरिया देख रहे हैं, ये जस्ट यहाँ पे शुरुआत होती है वो एरिया की पूरे। और बेसिकली ये जगह लखनऊ से 52 किलोमीटर और बाराबंकी जब आप आ जाओगे मेन हाईवे पे, वहाँ से करीबन समथिंग 18 किलोमीटर है। सो यहाँ पे जो मान्यता है यहाँ पेड़ की जो है वो ये है कि ये समथिंग 5,500-6,000 साल पुराना है। और इसे जो पांचों पांडव थे जो हिंदू, वो बेसिकली उनमें से एक ने यहाँ पे आके वो जो वृक्ष है उसको लगाया था। और ये पूरी दुनिया का सबसे पहला पेड़ है। सो देखते हैं क्या सच्चाई है क्या नहीं, अंदर जाके पता लगाते हैं। मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो ये बेसिकली एंट्री है गाइस यहाँ की। यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पे लोग बताते हैं कि ये जो पेड़ है ये अर्जुन जी के द्वारा लगाया गया था। और इसका जो इतिहास है वो 6,500-6,500 साल पुराना है। तो वहाँ जो पुजारी मिलते हैं, हम देखते हैं, मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू आप देख सकते हैं यहाँ अंदर। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। जो मेन पेड़ है और इसकी जो करीबन मोटाई है वो आपको थोड़ा जूम करके अभी दिखाता हूँ। आगे की वीडियो देखते रहिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये करीबन जो पेड़ है ना, ये 6,500-7,000 साल पुराना है। और इसका इतिहास बहुत ही अच्छा और अलग है। मैं आपको अभी बात कराऊंगा यहाँ के जो महंत और पुजारी हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये मंदिर है और ये यहाँ का एरिया है। तो यहाँ के जो महंत हैं उनसे मेरी बात हो रही है और मैं आप लोगों को भी मिलवाता हूँ। तो महंत जी, आपका नाम क्या है? राम सुजान दास। तो बाबा जी, इसका वृक्ष के बारे में थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि क्या है, कितना पुराना है, किसने इसका मतलब इसको लगाया? ये अर्जुन का लाया हुआ है, इंद्र के नंदन वन से लाए हैं, बाण द्वारा लगाए हुए हैं। इंद्र से लड़ाई के, इंद्र को पराजित कर दिया, मतलब हरा दी अर्जुन। तो, हाँ, अर्जुन हरा दें इंद्र का। अच्छा। तो बाण द्वारा से लगाए हुए हैं जी। इसकी जड़ पताल तक है, 6 महीने हरा भरा छने पज्जर रहता है। समुद्र मथन हुआ है, 14 रत्न में एक रतन है। इसी का फूल कुंती माँ शंकर जी का चाहन, तब महाभारत पांचों पांडवों को विजय हुआ है। 6,673 साल पेड़ हो चुका है, अंतिम द्वापर पेड़ है। अज्ञात वन में अर्जुन पांडव यहीं विराजमान करते रहे। हाँ, और देखिए इधर आदमी जैसे बाहर के लोग आते हैं ना, तो यहाँ एक कमरा भी बना हुआ है, कुछ नहीं बना हुआ है। रात को जो आदमी आते हैं उनको भी परेशानी होती है।
एक यहाँ धर्मशाला टाइप का मंदिर बन जाए, चाहे कि यहाँ लोग जो आवें तो उनके लिए कुछ आरामत रहे। यहाँ कुछ नहीं बनता है, और जो गवर्नमेंट पैसा देता है पारजात के बारे में तो सब इधर उधर कहीं वन विभाग आए कहीं कहीं आए, कोई सब खाई बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। यहाँ पारजात धाम को दिखाएं, पारजात धाम सुंदरीकरण हो चुका है, और देखिए यहाँ कौन सुंदरीकरण है आपके नज़र में, यहाँ कहाँ तक है, उधर तालाब खुदा रहा है कि यहाँ पक्का बन जाएगा, वह सारे पटवाधीन कि लोग यहाँ हाथ पैर जो नहीं हैं, यहाँ प्रसाद चल रही हैं, वह पटवाधीन, यहाँ कुछ नहीं होता है। और मोदी जो योगी जी हैं तो वहाँ अंत अंत दर्शन करने जाते हैं मंदिर को, यहाँ इतने दिन हो गए उनको वार्ड में जीते हुए, मिला आज तो लोग पारजात धाम के दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, हर जगह जाते हैं, अयोध्या मंदिर बनवा रहे हैं, कहीं मथुरा मंदिर बनवा रहे हैं, बोले पारजात अपने विश्व की धरोहर है, यहाँ पर दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। अरे अब इतने बड़े नेता। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा महंत जी से मैंने बात करा दी है आपकी, और इनका सबसे मेन जो पॉइंट है, जैसा कि मैं आपके आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो मैं इटौजा का जो किला था और जो लखनऊ के अन्य किले हैं जो कि हिंदू राजा के द्वारा बनवाए गए हैं, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि पुरातत्व विभाग जो है वो वहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, और मैं यहाँ पे मंदिर पे भी आया हूँ तो बहुत ही निराशा हुई मुझे ये देख के कि इतना हम लोग का भारतवर्ष का जो इतिहास है उसको संभाल के नहीं रखा जा रहा है, और यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो अगर मेरी सरकार तक आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ योगी जी या फिर जो यहाँ की टीम है वो प्लीज़ यहाँ पे आके ध्यान दे, और ये जो पेड़ है इसका जो इतिहास है वो करीबन 6-7 हज़ार साल पुराना है, और बताते हैं कि यहाँ इस पेड़ को जब उगाया गया था या फिर जब ये उगा था यहाँ पे, उसके लिए समुद्र मंथन भी किया गया था अर्जुन के द्वारा। तो यहाँ ये हमारे भारत का एक इतिहास है और हमें अपने इतिहास को बचा के रखना चाहिए। और बाकी महान जी ये हमारे मेरे बगल में ही है, तो और क्या व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब खाने पीने का सरकार के द्वारा दिया जाता है कि नहीं महान जी? खाने पीने का सरकार द्वारा यहाँ क्या जाए, मतलब कुछ भी यहाँ सरकार के द्वारा नहीं होता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो दिखाते हैं कि हमारे गवर्नमेंट जो दिखा रही है कि बाहर बाहर से लखनऊ कितना सुंदर है और वहाँ की चीज़ें कितना सुंदर है, बट इसके अंदर जाके देखिए तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये देखने के मिलेंगी कि यहाँ से इतिहास भी जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्लीज़ आप आके यहाँ पर विज़िट करें, और जो हो सके अपना दान भी करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब सरकार के द्वारा कोई भी फंडिंग नहीं है। सो गाइज, मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और एक बार पेड़ का लोकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं मैंने आपकी बात सबसे करा दी है, और इस पेड़ के बारे में मैं काफ़ी बता दिया है, और ये जो पेड़ है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो पेड़ है ये करीबन 6,500 साल पुराना है, और इसका जो तना है वो बहुत ही मोटा है, और बताते हैं कि महान जी बता रहे थे करीब कि ये 6 महीने जो है सूखा रहता है बिल्कुल, और 6 महीने इसमें पूरे पत्ते आ जाते हैं। बेसिकली अभी जुलाई के महीने में इसमें पत्ते आ गए हैं, बट जैसे ठंडी आएगी ये एकदम झड़ जाएगा, और जो इसका फूल होता है वो जब सूखता है वो सुनहरे कलर का हो जाता है, और एक फूल की जो कीमत है उसको कह सकते हैं कि उसको 1 किलो घी दे के फिर जो यहाँ के महंत जी हैं वो आपको एक फूल आपको देंगे, और उसको आप अगर घर में रखते हैं तो आपका काफ़ी कल्याण होता है ऐसा बोला जाता है। सो गाइज, आइए यहाँ विज़िट करिए और इन्जॉय करिए बाकी यहाँ की वीडियो। सो गाइज, फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये परिसर के बाहर का जो वो है गेट है, ये परिसर के बाहर का गेट है, और ये कुछ अंदर का व्यू है।
जाते समय रास्ते में मौसम देख सकते हैं कैसा हो गया। आप थोड़ा देर रुका हूँ यहाँ पे, उसके बाद बारिश बंद होगी फिर निकलूँगा।